वेलकम बैक। और आज हम क्वेश्चन 4 का करेंगे बी, जो कि है राइट द जावा प्रोग्राम टू फाइंड ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड अन गिवन नंबर गिवन इज इनपुट बाय यूजर। ठीक है, तो यूजर एक इनपुट नंबर देगा, उसके और 1 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है वो हमें काउंट करने और वो प्रिंट करने। ठीक है, तो वो हम करेंगे। तो मैं इधर एक नई फाइल बनाऊंगा, ठीक है, और इसमें क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट को डालूँगा, इसमें स्कैनर क्लास बनाऊँगा, सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और इधर मुझे एक इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैन करने के लिए, तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और ये हो गया। उसके बाद मुझे एससी को क्लोज करना पड़ेगा। अभी मैं इधर एक इनपुट नंबर लूँगा। इनपुट नंबर में क्या हो सकता है कि एक नंबर मैं इंट ही लूँगा। ठीक है, तो मैं सीज आउट करूँगा कि एंटर योर नंबर, उसके बाद एक इंट लूँगा, इंट नम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, इसके बाद एक फॉर लूप चलूँगा मैं, आई वन से लेस देन नम आएगा, क्योंकि बिटवीन का है, बिटवीन यानी दोनों के बीच में। ठीक है, तो नम काउंट नहीं होगा उसमें। अब मैं एक इधर इंट सम बनाऊंगा, जो भी होगा जीरो, सम नहीं बना, काउंट बन गया, काउंट हो गया। अब एक इधर इफ कंडीशन डालूंगा कि इफ आई एंड परसेंट टू अगर जीरो है, यानी कि अगर इवन है, इवन यानी डिविजिबल बाई टू, तो अगर इवन है तो क्या होगा, तो काउंट प्लस प्लस होगा। ठीक है, और अगर इसको डिस्प्ले करवाना है तो हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, तो डिस्प्ले के लिए सिंपली इधर सीस आउट लिख दो, तो सीस आउट और इधर आई लिख दो। ठीक है, इतना ही था। और लास्ट में तो फॉल्ट के बाद होगा ही सीस आउट है कि कितने हमारे पास है नंबर्स, यानी कितने काउंट है हमारे पास, तो इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे Even numbers found are plus count। ठीक है, तो ये था हमारा कोड। और अगर आपको प्रिंट नहीं करवाना है तो ये कोड को, मतलब जो इतना पार्ट है उसको कमेंट आउट कर दो। ठीक है, तो वो प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ काउंट बताएगा आपको, वरना अगर ये प्रिंट भी कौन से है तो ये रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं रन कोड करूँ और 1 से 11 के बीच में जाओ, ठीक है, तो कितने हो गए, 5 हो गए मेरे पास। तो 11 के बीच में जाओ तो देखो, इवन नंबर्स फाउंड 5, और कौन से हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये था हमारा ऐसे इतना छोटा प्रैक्टिकल, क्वेश्चन 4B। और इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 4C, जो कि बहुत अच्छा सम है, ठीक है, और यूज़फुल है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।